Hey yo people, hope you are doing good. My name is Rohit and from today onwards I'm going to make vlog videos for my YouTube channel. So stay connected for that. और आप सभी का स्वागत है मेरे पहले vlog में. So हम आज कहाँ जाएंगे? Where are we heading today? हम जा रहे हैं Film City. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. मैं फिल्म सिटी में काम करता हूँ तो वहाँ पर मेरा डेली आना जाना रहता है. एंड आई एम गोना शो यू सम शूटिंग्स इफ इट्स पॉसिबल एंड आई एम गोना शो यू सम एक्टर्स इफ इट्स पॉसिबल बिकॉज वहाँ पर कुछ भी कभी भी हो जाता है. मुझे भी आइडिया नहीं होता एक्टर्स कब आएंगे, शूटिंग कब स्टार्ट होगी. बट मेरे लोकेशंस देख कर, जो हमारे फिल्म सिटी के लोकेशंस है बॉलीवुड के फेमस लोकेशंस, वो देख कर आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है. ब्लॉगिंग करना मुझे पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था क्योंकि रिसेंटली मैं बहुत अच्छी जगह पर जाकर आया और लॉकडाउन से पहले भी मैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर आ चुका हूँ गाइस. बट चलो इट्स ओके, इट्स बेटर लेट देन नेवर, राइट. तो शूटिंग दिखा दूंगा, लोकेशन दिखा दूंगा, सो इट विल बी इनफ फॉर वन ब्लॉग टुडे, राइट. या सो चलिए चलते हैं. मैं भी एक्साइटेड हूँ, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग. देखते हैं कैसा बीतेगा मेरा पहला ब्लॉग. चलिए मास्क तो पहन ले. Hey yo guys, so this is what I was talking about, my working place, and then this, the gate of Sapno Ki Nagari, the place where a lot of people's dream comes true. Yeah. इसी गेट को आप लोगों ने शमिताभ मूवी के इस वाले सीन में देखा था जिसमें धनुष को सिक्योरिटी वाले अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं करते. तब धनुष बैरिगेट्स के ऊपर से जंप करके अंदर ज़बरदस्ती एंटर कर जाते हैं. आप लोग देख सकते हो बोरिया बिस्तरा लेकर भागते हुए धनुष. अब हम आ चुके हैं हमारे भव्य दिव्य मंदिर के पास. इस मंदिर के बारे में जितना कहो उतना कम होगा क्योंकि दिल दीवार कुछ कुछ होता है. ओ माय गॉड, सिम्बा जबरिया जोड़ी, केदारनाथ जैसी मूवीज़ में आप लोगों ने इस मंदिर को देखा है. बहुत सारी मूवीज़, वेब सीरीज़ और सीरियल्स में ये हमेशा यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूँगा. देखिए शमिताभ मूवी के इस सीन में धनुष और राजकुमार हिरानी को देखिए. एंड लुक एट आवर मंदिर, इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल. जब मंदिर में कोई भगवान नहीं होते और जब भगवान का आगमन हो जाता है, दिल मूवी का ये सीन आप लोग देख सकते हो. इस मंदिर में भगवान नहीं थे तब मैं भी रो पड़ा था. कुछ कुछ होता है मूवी के इस सीन में आप लोग देख सकते हो शाहरुख खान को दौड़े दौड़े मंदिर के अंदर जाते हुए रानी मुखर्जी से मिलने. मंदिर जैसा कि आपने देखा कितना डिफरेंट सा नज़र आ रहा था क्योंकि यहाँ पर मूवी सीरियल्स और वेब सीरीज़ के लिए मंदिर टोटली चेंज कर दिया जाता है ताकि एक जैसा ना दिखे. ये सीन है जबरिया जोड़ी मूवी से जहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को ये तीनों बार बार किडनैप करने की कोशिश करते हैं बट नाकाम हो जाते हैं और बहुत ही मुश्किलों के बाद इनकी किडनैपिंग सफल हो जाती. इस मंदिर को टेलीविज़न पे आप लोगों ने हज़ारों बार देखा होगा, इसलिए तो फिल्म सिटी का सबसे फेवरेट लोकेशन इसे कहा जाता है. अब हम आ चुके हैं बागबान के बंगलों पर. इस बंगलों को आप लोगों ने बागबान मूवी में अमिताभ बच्चन सर का बंगलो देखा था और इस पूरे लोकेशन को रिसॉर्ट बना दिया जाता है, ग्रेवयार्ड बना दिया जाता है, 90s के ज़माने का अस्पताल भी इसे बना दिया जाता है. आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूँगा, प्लीज़ पे अटेंशन टू द क्लिप्स. सिंघम मूवी में सेंट मैरी स्कूल के तौर पर आप लोगों ने इस बंगलो को देखा था जहाँ पर जयकांत शिकरे हाथ में गन लेकर हड़बड़ी में टीचर से मिलकर चले जाते हैं. बंगलों के बिल्कुल सामने वाले मैदान पर गब्बर इज़ बैक मूवी का कब्रिस्तान वाला सीन शूट किया गया था जहां पर अक्षय कुमार करप्ट पुलिस ऑफिसर से सच उगलवाने की कोशिश करते हैं और श्रुति हसन चुपके से उन्हें देख लेती है. ये पूरा कब्रिस्तान का सीन इसी मैदान पर किया गया था. बैकग्राउंड में आप लोग बंगलो देख सकते हो. इसी मैदान पर अमिताभ बच्चन सर ने होली खेली थी, होली खेले रघुवीर आवध में सॉन्ग के अंदर, और आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में टोटली बागबान का बंगलो. ऐश्वर्या राय मैम भी कार से उतरकर इरफान खान सर के छोटे से टी स्टॉल पर जाकर उनसे मिलती है फिल्म जज्बा में. ये रहा आपके स्क्रीन पर फिल्म सिटी का सबसे बेहतरीन लोकेशन जिसका नाम है
द बॉलीवुड थीम पार्क। दिस इज द मेन एंट्रेंस, जिसे कहा जाता है द गोल्डन गेट। चलिए अंदर चलते हैं। ये हम चले अंदर। कैसे हो सर, सब ठीक? अंदर एंटर करते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नज़र आएगा ये प्योर आर्ट वर्क, जो कि एक ही आर्टिस्ट के द्वारा क्रिएट किया गया। 2 मंथ्स लगे इसे पूरा बनकर रेडी होने में। आप लोग देख सकते हो बॉलीवुड के कुछ सितारे और दादा साहेब फाल्के इस वॉल ऑफ आर्ट पर। उस महल के अंदर एंटर करते ही नज़र आएंगे बहुत सारे ब्यूटीफुल सेट्स। तो आइए चलते हैं। हे रुकावट के लिए खेद है दोस्तों, बट इसके अंदर अभी हम लोग नहीं जा सकते। बट इसके अंदर की चीज़ें मैं आपको अलग अलग व्लॉग्स में या फिर एक ही व्लॉग में टोटली दिखाना चाहूँगा। ये वॉल आपने देखी, इसके अंदर की चीज़ें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। यो, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो मर्सिडीज वैन, जो कि है अक्षय कुमार सर की। देखिए अक्षय कुमार सर अभी मौजूद है इस वाले स्टूडियो के अंदर, और ये रही उनकी वैन। वेल दोस्तों, मैं सारे आर्टिस्ट की गाड़ियाँ जानता हूँ, गाड़ियों के नंबर जानता हूँ, तब जाकर मैं आप लोगों को बता सकूँगा कि कौन से स्टूडियो में कौन सा आर्टिस्ट मौजूद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए, मैं और एक कार आपको दिखाना चाहूँगा। जस्ट लुक एट दिस बीस्ट, ये लैम्बोर्गिनी यूरिस है कार्तिक आर्यन सर की, जो कि अभी मौजूद है यहाँ पर इस स्टूडियो के अंदर। वेल दोस्तों, अभी मैं कुछ ऐसा फील कर रहा हूँ। अक्षय कुमार सर मेरे सामने खड़े थे और मैं उनका वीडियो नहीं ले पाया। He was standing right front of me and I couldn't able to take his video because he was in his get up and bodyguards were not letting me take his video. It's okay, it happens. यहाँ पर ऐसे ही होता है, एक्टर्स फुल गेटअप में होते हैं तब वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट कभी कभार पॉसिबल हो जाता है वीडियोज़ और फ़ोटोज़, तब मैं शूट कर लिया करता था। अलग अलग दिन एक्टर्स के अलग अलग वीडियोज़ और फ़ोटोज़ मैंने पहले शूट करके रखे थे गाइस, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। तो अभी आप लोग एक साथ देखिए एक्टर्स के वीडियोज़ और फ़ोटोज़ जो कि मैंने शूट किए थे। I'm gonna do guide now. आप लोग मुझे देखिए गाइड करते हुए, मिलते हैं वीडियो के आउट्रो में। See ya. Hey yo people, so that's it for today. I hope you guys liked my first vlog. Yeah, it was my first vlog and it was a very good experience of my life. So from today onwards, I'm going to make more videos like this for you guys. So stay tuned for that. And बहुत मज़ा आया guys आप लोगों से बात करते हुए। I hope आप लोगों को जो मैंने locations दिखाई, जो मैंने जानकारी दी, पसंद आई होगी। And if you like my video, then please do like, comment, share and subscribe guys. बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वेल एज यू कैन सी गाइस, राइट नाउ आई एम इन माय ऑफिस। वेरी फिल्मी राइट? सो स्टे कनेक्टेड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस गाइस। आई ट्राई टू शो यू मोर ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक दिस। कुछ शूटिंग्स दिखाऊंगा, कुछ लोकेशंस दिखाऊंगा,
और कुछ ना कुछ अलग ही देखने मिलेगा, सो स्टे कनेक्टेड विद दैट। आप लोगों को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ख्याल रखिए अपना फैमिली का, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। एंड आई वॉन्टेड टू थैंक यू पीपल अगेन, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, पीस आउट। चलता हूँ मैं। अरे यार ये मास्क कहाँ रह जाता है।